नहीं मिलता पैसा, पेंशन नहीं मिलती, वृद्धा पेंशन नहीं मिलती। बांदा जिले के विकास खंड बिसड़ा के ग्राम पंचायत कैरी ग्राम निवासी एक वृद्ध को सचिव द्वारा जांच में मृत दिखाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जन सुनवाई के दौरान जब मृत ने इसकी शिकायत राज्य महिला आयोग के सदस्य से की तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी बिसड़ा को जांच के आदेश दिए। वहीं वृद्ध का कहना है कि लगभग आधा साल गुजर चुका है और उनकी पेंशन बंद है, तो वो अधिकारियों के चौखट में अपने आप को जिंदा दिखाने व साबित करने के प्रयास में लगा है। नहीं मिलता पैसा, पेंशन नहीं मिलती, वृद्धा पेंशन नहीं मिलती। तो वहीं पीड़ित के साथ आए ग्रामीण ने बताया कि इस बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया है। बुजुर्ग अकेले है और कोई काम नहीं कर सकते, जिससे उनके सामने जीविकोपार्जन की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। मामला ये है कि पति महोदय ने घर बैठे इनके वृद्धा पेंशन में इनको मृत घोषित कर दिया। ये बेचारा गरीब आदमी कहीं ब्लॉक आएगा, कहीं किसी नेता के पास जाएगा, कहीं ब्लॉक बांधा जाएगा, न सती सुन रहा है, वो कह रहा ऑनलाइन करा दिया है, ऑनलाइन करा दिया। कितने सालों से मृत घोषित कर दिया? एक साल के लगभग, लगभग एक वर्ष से। तो क्या पेंशन का लाभ फिर नहीं मिला होगा इनको? जब मृत घोषित हो पेंशन कहाँ से आ गई, ऊपर से आईडी बंद हो गई। क्या नाम है वृद्ध का? चुनुबाग। चुनुबाग। सचिव का नाम क्या है? सुरेश कुमार पटेल। सुरेश कुमार पटेल। आपको बता दें कि पूरा मामला कैरी गांव के निवासी गरीब वृद्ध चुनवाद का है, जिसके नंबर में आयोजित जन सुनवाई के कार्यक्रम के दौरान राज्य महिला आयोग के सदस्य प्रभा गुप्ता को शिकायती पत्र देकर बताया था कि सचिव के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि वो जीवित है। उसने कहा कि इस प्रकरण की जाँच करवा कर उसे न्याय दिलवाया जाए। उन्होंने बताया कि उसकी उम्र 75 वर्ष है, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, अस्वस्थ व गरीबी के चलते शासन द्वारा उसे पेंशन का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन इसी वर्ष मई जून के माह में हुए सत्यापन व जांच के कार्य के दौरान सचिव ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे उसकी पेंशन 6 माह से बंद है। चुनवाद का आरोप था कि सचिव द्वारा उससे सुविधा शुल्क मांगी गई थी, जिसे न देने पर उसने उसे जांच में मृत घोषित कर दिया। अब वो अधिकारियों के दरवाजे पर अपने आप को जिंदा साबित करने का संघर्ष कर रहा है। बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट। नहीं मिलती। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।